वुकोंग वर्सेस ओरियन, दोनों में से कौन सा कैरेक्टर सीएस रैंक के लिए बेस्ट है? जहाँ पे दोनों ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, बट इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर सीएस रैंक के लिए बेस्ट होने वाला? तो गाइस इन दोनों कैरेक्टर को हम कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे सीएस रैंक के लिए कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है एंड इसका स्किल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो भाई वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे दोनों कैरेक्टर ही ओवर पावर कैरेक्टर है, लेकिन सीएस रैंक के लिए यार यहाँ पे ओरियन के बदले वुकोंग कैरेक्टर बेस्ट होगा। सबसे पहले तो ओरियन कैरेक्टर डिपेंड करते हैं अदर कैरेक्टर के ऊपर, मतलब मेगुल कैरेक्टर अगर हम नहीं लगाएंगे तो इसका स्किल हम अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मशरूम खाना पड़ेगा। और अगर मेगुल कैरेक्टर को लगाते हैं तो यहाँ पे एक किल के बदले हमें मिलेगा एचपी, जो यहाँ पे 200 एचपी चाहिए इसका स्किल अनलॉक होने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो, एक बंदे को हम डाउन करेंगे तभी जाके इसका स्किल अनलॉक होगा एंड फिर एक बार यूज कर पाएंगे, वो भी छोटा सा समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम इसका स्किल यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो वुकोंग कैरेक्टर है वो पैदा से ही किंग है, यहाँ पे इसका स्किल हम ये यूज करने के लिए किसी अदर कैरेक्टर का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ता है। हम किसी बंदे को डाउन करेंगे, इसका स्किल अनलॉक हो जाएगा, वापस डाउन करेंगे वापस अनलॉक हो जाएगा। एंड सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे ओरियन के बदले इसका जो स्किल है हम ज्यादा देर तक इसको यूज कर सकते हैं। एंड गाइस हम लोग किसी भी एक्टिव स्किल के अंदर सिर्फ 3 ही पैसिव स्किल लगा सकते हैं एंड जहाँ पे अगर ओरियन के अंदर मेगुल कैरेक्टर का स्किल लगा देते हैं तो यहाँ पे एक स्लॉट हमारा बेकार जाता है। बेकार नहीं यार, ओरियन के अंदर मेगुल कैरेक्टर स्किल लगाना कंपलसरी है, बट यहाँ पे वुकोंग में क्या होता है, वुकोंग कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, जिस वजह से हमें 3 एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है और जहाँ पे 3 हमें जो पैसिव अलग स्किल लगा सकते हैं, जिस वजह से हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि ओरियन कैरेक्टर बेकार कैरेक्टर है, भाई ओरियन कैरेक्टर भी बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है, बट यहाँ पे सीएस रैंक के अंदर ओरियन एंड वुकोंग दोनों में से भाई यहाँ पे मैं वुकोंग कैरेक्टर को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें ओरियन से बदले वुकोंग कैरेक्टर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो गाइस वुकोंग के साथ अभी एक ऐसा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसे यूज करके भाई अब लोग यहाँ पे रैंडम प्लेयर के साथ भी बुया कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक उल्फ्रा कैरेक्टर ले लेना है, क्योंकि हम लोग वुकोंग के साथ उल्फ्रा कैरेक्टर लगेंगे जो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा कंफर्टेबल लगे। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है पैसिव सॉरी एक्टिव कैरेक्टर वुकोंग का। ठीक है, यहाँ पे जैसे वुकोंग कैरेक्टर लगा दिया एंड हम यहाँ पे एक स्किल यूज करेंगे लूना कैरेक्टर का, जिसे हमें जो है रेट ऑफ फायर मिले, साथ में मूवमेंट स्पीड मिले एंड गाइस एक और कैरेक्टर यूज करेंगे जिसे हमें एक्यूरेसी भी मिले। भाई मुझे एक्यूरेसी, मूवमेंट स्पीड एंड यहाँ पे रेट ऑफ फायर तीनों चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे डीबी कैरेक्टर को लगाया। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग डीबी कैरेक्टर के बदले यहाँ पे या तो फिर लूना कैरेक्टर के बदले लियोन कैरेक्टर या तो फिर जोता कैरेक्टर लगा सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा जोता कैरेक्टर लगा लेना, जिससे आपको एचपी मिलेगा बंदा आपको अगर गन से फायर करेगा तो। ठीक है, यहाँ पे बट मुझे रेट ऑफ फायर, मूवमेंट स्पीड एंड एक्यूरेसी तीनों चाहिए, जिस वजह से हम यहाँ पे कैरेक्टर को यूज करेंगे डीबी कैरेक्टर को। ओके, एंड हाँ गाइस यहाँ पे पेट के अंदर रॉक इफेक्ट को जरूर लगा लेना, इससे आप लोग का जो कूल डाउन टाइम है वो कम हो जाएगा। तो गाइस सेम स्किल कॉम्बिनेशन के साथ हम आ गए गेम के अंदर एंड यहाँ पे नोटिस करना, सारा का सारा जो स्किल है एनी टाइम ऑन रहेगा। यहाँ पे देखो एक स्किल जल रहा है जो लूना कैरेक्टर का स्किल है एंड यहाँ पे इससे हमें एक्यूरेसी मिलेगा, सॉरी रेट ऑफ फायर मिलेगा एंड जब भी फायर करेंगे ना तो यहाँ पे हमें डीबी कैरेक्टर का जो स्किल है वो ऑन हो जा रहा है। ये देख सकते हो, साथ में यहाँ पे एक्यूर के साथ मूवमेंट स्पीड रेट ऑफ फायर तीनों मिल रहा है यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जोता कैरेक्टर को लेना डीबी या तो फिर लूना कैरेक्टर के बदले। ओके गाइस, यहाँ पे जोता कैरेक्टर को ले लेना ताकि आपको एचपी मिले अगर बंदा गन से हिट करे तो। ठीक है, बट यहाँ पे जो उल्फ्रा कैरेक्टर है यहाँ पे सामने से आने वाला डैमेज को कम कर रहा है, बट आप डैमेज दे रहे हो कितना ज्यादा पड़ रहा है। तो बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन है वुकोंग के साथ सीएस रैंक के अंदर, इस स्किल कॉम्बिनेशन को एक बार ट्राई जरूर करना। ओके गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।